नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू। आज नूरा क्लब के द्वारा शोभा यात्रा आयोजन किया गया है। देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है। कहां से आए हैं आप लोग सर? नूरा से। नूरा से कहां पर स्थान करेगी ये? नूराई में। नूराई में करेगा। तो किस भगवान का यज्ञ होने वाला है? शिव भगवान का। शिव भगवान का यात्रा निकाले हुआ है। काफी संख्या में भीड़ है, लगभग पीछे लगभग 500 प्लस गैदरिंग है। काफी शानदार है, देख सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ नारायण प्रसाद। नूरा क्लब से निकला हुआ जी है। नूरा तरफ से तो निकला हुआ है। प्रस्थान करेगा यहाँ, प्रस्थान करेगा झंडा चौक से घूमते हुए, फिर नूरा प्रस्थान करेगा। अब पूरा पगमर होते हुए पूरा नूरा जाएगा। आपको किस उपलक्ष्य में आयोजन किया गया सर? ये गंगा माँ का मंदिर है, गंगा माँ का प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं हम लोग, इसी कारण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ प्रतिष्ठा हो रहा है। रवि कुमार सर, किस उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है? प्राण प्रतिष्ठा 23 से लेकर के 27 तक चलेगा। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग शोभा यात्रा निकाले हैं। तो 3 दिन लगातार शोभा यात्रा चलेगा? ना, सिर्फ 5 चलेगा। अच्छा, 28 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक प्राण प्रतिष्ठा चलेगा माँ गंगा का। काफी भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है। स्थान है नूरा क्लब। अगर आप हजारीबाग से देख रहे हैं तो जरूर आए और दर्शन करें माँ गंगा माता के। दर्शन करें, हाँ जरूर। काफी शानदार है, चलिए देख सकते हैं। काफी भीड़ है। भगवान का मूर्ति है, शंकर भगवान का। नीचे शंकर भगवान का मूर्ति है, उनके ऊपर गंगा माँ का मूर्ति का हम लोग प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर रहे हैं। जय माता जी, जय माँ गंगे। सभी नारा लगाते हुए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। लोग आनंद लेते हुए शोभा यात्रा का मजा ले रहे हैं। शोभा यात्रा का मजा सफलता पूर्वक प्रस्थान करेगी, दूसरा में वापस जाएगी। हाँ, जब वापस जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।